तो यहां रिएक्शन ये हो रहा है Na2CO3 प्लस CaCl2 गिव CaOCO3 प्लस 2NaCl। अब प्रोडक्ट तो आपको बनी गया 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के केस में कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाती है क्योंकि मोलर मास 100 होता है। तो यहां पे इसका भी 0.1 मोल, तो इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई करिए वो कितना है 106 ग्राम पर मोल, तो 10.6 ग्राम Na2CO3 आ गया। तो इन्होंने पूछा है कि परसेंटेज प्योरिटी कितनी हुई, तो 10.6 एक्चुअली यूज हुआ लिया इतना इनटू 100, तो ये हमारी 50% आ गया आंसर। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2CO3 इज इक्वल टू CaCO3 क्योंकि स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट सेम है, तो ये बात भी सही है, दोनों के मोल सेम है। दीज आर द आंसर्स।